फ्रेंड्स, कोविड-19 के चलते हुए पिछले लगभग 2-2.5 महीनों से वर्ल्ड वाइड क्रिकेट रुका हुआ है। इवन बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दी कि आईपीएल 2020 का सीजन 25 सितंबर से लेकर 1 नवंबर के बीच की विंडो में होगा, यानी लगभग आईपीएल की शुरुआत अब 2-2.5 महीने बाद होगी। लेकिन इसके बावजूद अब लॉकडाउन के बाद आने वाले महीने से हमें 3 बड़ी टी20 लीग लगातार शुरू होती हुई दिखेगी। ना सिर्फ ये लीगें शुरू होती हुई दिखेगी बल्कि इसमें काफी सारे इंडियन प्लेयर्स भी हमें इन लीगों में लगातार खेलते हुए दिखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर लॉकडाउन के बाद कौन सी 3 बड़ी टी20 लीग हमें शुरू होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स हमें इस लीगों में खेलते हुए दिखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को आप हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। ओ फ्रेंड्स, लॉकडाउन के बाद जो 3 बड़ी टी20 लीग या फिर टी20 टूर्नामेंट शुरू होने वाले, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है विटालिटी टी20 ब्लास्ट लीग का। दरअसल ये लीग 28 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए इस लीग को 1 महीना आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन दे दी है कि 2 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच लीग चलेगी। इवन इस लीग में ग्लेन मैक्सवेल, इसके साथ ही आंद्र रसल, इसके साथ ही रवि बोपारा, बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स इस लीग में खेलेंगे। हो सकता है हमें कुछ इंडियन प्लेयर्स भी इस लीग में खेलते हुए दिखे, जहां पर अगर हम बात करें युवराज सिंह की, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक जैसे प्लेयर्स हमें इस काउंटी लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं। तो जो सबसे पहली लीग इस कोविड-19 के बाद शुरू होगी वो होगी विटालिटी टी20 ब्लास्ट लीग। वही इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है टीएनपीएल का। दरअसल टीएनपीएल की शुरुआत भी जून के महीने में होने वाली थी। 10 जून से ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला था और भारत में बिहाइंड क्लोज डोर 4 स्टेडियम्स में ये टूर्नामेंट होने वाला था। लेकिन लॉकडाउन 4.0 एक्सटेंड होने के कारण इस टूर्नामेंट को अब 1 महीने के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया है। अब ये टूर्नामेंट हमें 1 अगस्त से शुरू होता हुआ दिखेगा। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा। लगभग आईपीएल से पहले ये टूर्नामेंट खत्म होगा और इस टूर्नामेंट में कुल 32 मैचेस होंगे। इसके साथ ही रवि अश्विन, इसके साथ ही दिनेश कार्तिक, वाशिंगटन सुंदर, इसके साथ ही मुरली विजय, इसके साथ ही विजय शंकर जैसे बड़े इंडियन प्लेयर्स हमें इस टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखेंगे। इसके साथ ये टूर्नामेंट 4 स्टेडियम्स में बिहाइंड क्लोज डोर होने वाला है, यानी आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही स्टार स्पोर्ट पर इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट होगा, तो ये टूर्नामेंट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है भारत में आईपीएल से पहले। वही इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है सीपीएल, यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग का। दरअसल सीपीएल ने अगस्त से लेकर सितंबर के बीच का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। सीपीएल होने के कारण ही बीसीसीआई ने आईपीएल को सितंबर में शिफ्ट किया है, अदरवाइज बीसीसीआई आईपीएल को अगस्त में कराने की प्लानिंग में थी। सीपीएल 19 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच होगा। इवन इस साल तो बीसीसीआई भी कुछ इंडियन प्लेयर्स को जो कि रिटायरमेंट ले चुके, इसके साथ ही बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ना आते हो, उन प्लेयर्स को सीपीएल में खेलने की अनुमति देने वाला है। यानी युवराज सिंह, इसके साथ ही सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, युजू पठान, रॉबिन उत्तप और हरभजन सिंह जैसे प्लेयर्स हमें इस टूर्नामेंट, इस लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं। तो करंटली ये 3 बड़े टी20 लीग है जो कि लॉकडाउन के जस्ट बाद हमें शुरू होते हुए दिखेंगे और इन लीगों के साथ दोबारा से वर्ल्ड वाइड क्रिकेट शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये था इस वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन 3 लीगों में से कौन सा लीग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।